Ezra chapter 3. चलो निकालेंगे Ezra की पुस्तक में उसका तीसरा अध्याय. Ezra 3 and verse 2. Ezra के तीसरे अध्याय में उसका दूसरा वचन में जाएंगे. Hurry up. जल्दी से. Then Joshua the son of Jonak, his brothers, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brethren rose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. तब योसादाक के पुत्र येशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुबाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है. Listen very carefully. और बड़े सावधानी से सुनिए. I'm going to finish in the next 10 minutes and I'm going to pray. Listen very, very carefully. अगले 10 मिनट में संदेश को खत्म करके फिर प्रार्थना करने वाले हो, ध्यान से सुनिएगा. As I was seeking the Lord, और जैसे मैं प्रभु की खोज कर रहा था, I said, God, मैंने कहा प्रभु, what is the word that you want to speak to your church in the year 2017? और 2017 के इस साल में कौन सा वो वचन है जो आप अपनी कलीसिया से कहना चाहते हो? After preaching the gospel for so many years, और इतने कई सालों से सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी, to preach a message is not difficult. और संदेश को प्रचार करना कोई मुश्किल काम नहीं है. But to preach what God is saying, that's the important key. मगर वह प्रचार करना जो परमेश्वर कह रहा है, यह मायने रखने वाली बात है. See, I can fool you and say, okay, this is what God says. और देखिए, मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, ये कहते हैं, हाँ, चलो, ये परमेश्वर कहता है. But I need to really know that this is what God is saying to you and me. तो मुझे यकीनन इस बात को पक्का कर लेना है. Listen, यही वो वचन है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है. I don't know about you. आपके बारे में मुझे पता नहीं. But God clearly told me, son. मगर परमेश्वर ने साफ तौर पर मुझसे कहा, बेटे. This is the word. ये है वचन. That will take you to different places. जो तुम्हें ले जाएगा अलग-अलग जगहों पर. This is the word. ये है वो वचन. That will give you your breakthrough. जो तुम्हें तुम्हारा चमत्कार दिलाएगा. Somebody say hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. Listen carefully. सुनिए ध्यान से. Now read that word. अब उस वचन को पढ़ो. Many of you, your breakthroughs are stuck up. और आप में से बहुत सारे लोगों के चमत्कार अटके पड़े हैं. You look at the people of the world. आप दुनिया के लोगों की ओर देखते हो. You say, oh, see how this is enjoying, how he is enjoying. और आप कहते, ओ, देखो कैसे वो लुत्फ उठा रही है, कैसे मजे वो लूट रहा है. And look at me. और मुझे देखो. Never mind. कोई बात नहीं. Are you there? क्या आप साथ में हैं? What is the use? क्या फायदा? God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है. Notice that word very carefully. Ezra chapter 3 and verse 2. और गौर करें इज़रा का तीसरा अध्याय दूसरे वचन पे सावधानी. He says, वचन कहता है, they arose. Repeat after me. They arose. Can you speak louder, please? And built the altar of the God of Israel. और वचन ऐसा मेरे पीछे कहें, वचन मेरे पीछे कहें, वे कमर बांधकर, जोर से बोले, कमर बांधकर उठ खड़े हुए और इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया. Please understand this. और समझिए इसे. They were building the temple. वे मंदिर को बना रहे थे. Their main project. उनका मुख्य कार्य. Was to build a temple. ये था कि मंदिर को बनाए. But before. अगर उससे पहले. They could build the temple. कि मंदिर को वो बनाए. They built the altar. पहले उन्होंने वेदी को बनाया. Write this down. लिख लो इसे. Before. The altar. Before the temple could be built. इससे पहले कि मंदिर बनाया जाता. The altar of God was built. परमेश्वर की वेदी को बनाया गया. Building the temple will be easy, says the Spirit of God, once you build the altar. और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तुम एक बार वेदी को बना लेते हो, तो उसके बाद मंदिर का बनाना बड़ा आसान हो जाएगा. Please listen to me very carefully. You might have heard many messages. और बड़े सावधानी से सुनिएगा हमारी. हो सकता है आपने बहुत सारे संदेशों को सुन रखा हो. Today you are sitting 5 feet away from me. और आज आप भाई से 5 feet दूर पे बैठे हैं. But mark my words. मगर देख लेना. One day you must be sitting 25 feet away from me. Then you will say, oh, I knew this man. He used to talk to me. Please listen. This is the word of the Lord for us. और ध्यान से सुनिए. हमारे लिए ये प्रभु का वचन है. Listen. सुनो. Building the altar was not man's priority. Building the altar was God's first spiritual priority. और वेदी को बनाना, देखो, ये इंसान की प्राथमिकता नहीं है, मगर वेदी को बनाना है, ये परमेश्वर की सबसे पहली आत्मिक प्राथमिकता है. Before they could build the outer, इससे पहले कि बाहर की चीजें बनाई जाए. Before they could build the exterior, they built the
इससे पहले कि ऊपरी चीजों को बाहरी चीजों को बनाया जाए उन्होंने सबसे पहले वेदी को बनाया. Say it everyone. सभी लोग बोलो. Wise spiritual priority. No, no, no. Come on. The top people louder. Wise spiritual priority. और बुद्धिमानी से भरी हुई आत्मिक प्राथमिकताएं. Building the altar. वेदी को बनाना. Was a wise spiritual priority. ये बुद्धि से भरी हुई आत्मिक प्राथमिकता है. Please listen. सुनिए. What do I mean by building the altar? और ये वेदी को बनाना ये मेरे कहने का मतलब क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में, the altar was a physical place. और वेदी जो होती थी वो भौतिक जगह होती थी. Of stones, पत्थरों का, mud, मिट्टी का, etc. etc. और इत्यादि इत्यादि चीजों का. But in the New Testament, मगर नए नियम में, the altar represents our prayer life. वेदी जो है ये हमारे प्रार्थना जीवन का प्रतीक है. Once that is in place, जब एक बार ये सही जगह पर आ जाती है, all other things fall in place. तो सारी दूसरी चीजें भी अपनी जगह पर आ जाएंगी. I don't know about you, sir. और श्रीमान जी आपके बारे में मुझे पता नहीं. Many of you are frustrated. आप में से बहुत सारे हताश हो गए हो. Why does this happen? और क्यों ऐसा हुआ? Why is this happening? क्यों ऐसा हो रहा है? God says to you this evening. परमेश्वर आज शाम आपसे कहता है. Build the altar. सबसे पहले वेदी को बनाओ. The temple will be built. और मंदिर बना दिया जाएगा. The courtyard will be built. और बाहर का आंगन भी बना दिया जाएगा. Everything will fall in place. और सब कुछ अपने सही जगह पर आ जाएगा. Hello. Before Abraham could become a father of nations, there was an altar that was built. और इससे पहले कि अब्राहम राष्ट्रों का पिता बनता, उसने पहले वेदी को बनाया. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? If you're listening, somebody shout an amen. अगर आप सुन रहे हैं तो कोई चिल्लाए आमेन. If you read Genesis chapter 8, don't go there. I just want to share with you quickly. अगर उत्पत्ति के आठवें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो निकालिएगा नहीं, जल्दी से मैं पढ़ूंगा. And verse 20. और उसका 20वां वचन. The flood came. और वहाँ पर देखते हैं बाढ़ यानी जल प्रलय आया. We all know the story. 40 days, 40 nights. There was rain everywhere, water everywhere. और हम जानते हैं उस कहानी को, 40 दिन और 40 रात बस बारिश होती रही और हर जगह पानी भर गया था. It was judgment. और ये तो परमेश्वर की ओर से दंड था. Now watch this. गौर करें. Noah comes out of the ark. और नूह जहाज के बाहर आता है. It's a new beginning. ये एक नई शुरुआत थी. Somebody, it's going to be a new beginning for you today. और किसी को छूकर कहिए आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है. Hallelujah. It's a new beginning. ये एक नई शुरुआत है. Everything is destroyed. और सब कुछ तबाह हो गया है. Noah must be saying. और नूह वहाँ पर कह रहा होगा. Now how can I begin? अभी मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? I don't have anything. मेरे पास कुछ भी नहीं है. Only these animals are there. और बस सिर्फ जानवर बचे हैं. And my family. और मेरा परिवार. And he comes out. और वो बाहर आता है. Everything is destroyed. सब कुछ तबाह हो गया था. What does he do? मगर वो क्या करता है? Genesis 8 verse 20, the first thing Noah does was, he does not build a house, he does not do anything. The first thing he does, he builds an altar to the Lord. Hallelujah. उत्पत्ति के 8वें अध्याय 20वें वचन में हम देखते हैं नूह घर को नहीं बनाता, दूसरी कोई चीज से पहले नहीं करता, सबसे पहले वो परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करता है. He builds an altar to the Lord. और प्रभु के लिए वो वेदी तैयार करता है. His parents, his wife must be saying, you crazy, we don't even have a house, you're building an altar first. और उसकी पत्नी ने हो सकता कहा होगा कि तू पागल हो गया, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और तू वेदी बना रहा है पहले. Says madam, वो कहता है मैडम जी, first things first, सबसे पहली चीज पहले होनी चाहिए. Tell your neighbor, it's not a good idea, it's a God idea. अपने पड़ोसी को बोलो कि ये अच्छी योजनाएं काम नहीं करती, मगर परमेश्वर द्वारा दी गई योजनाएं काम करती हैं. You failed because you had a good idea. Hallelujah. और आप नाकाम हो गए क्योंकि आपके पास अच्छी योजनाएं और तरकीब थी. You had good ideas. आपके पास अच्छी तरकीबें हैं. But you fell. मगर फिर भी आप गिर गए. But this is not a good idea, it's a God idea. मगर ये अच्छी तरकीबें नहीं, मगर ये परमेश्वर की योजना है. Hey. He does not look for food. He does not build a house. He does not say how, when. He just builds an altar and he says, oh God, I worship you. और देखिए वो खाने पीने की चीजों का इंतजाम नहीं करता पहले वहां, वो घर के लिए नहीं इंतजाम करता, मगर सबसे पहले वो वेदी बनाकर कहता है प्रभु ये सब तेरे लिए है. And then God promises him. फिर उसके बाद परमेश्वर से वादा करता है. He said, son, वो कहता है बेटे, I send judgment. मैंने न्याय को भेजा, but never again. मगर फिर से कभी. I'm going to send a flood upon the earth. मैं इस धरती पर ऐसा जल प्रलय बाढ़ को नहीं लाऊंगा. He gives him a covenant. और वहाँ पर वो वाचा बांधता है. I believe. और मैं विश्वास करता हूँ. Building the altar in your life. और आपकी ज़िंदगी में वेदी को बनाना. Is the key thing for you to be successful, not only in 2017, but in every year of your life. और आपकी ज़िंदगी सबसे मुख्य चाली है कामयाब बनने की सिर्फ 2017 में ही नहीं, मगर आपकी ज़िंदगी हर एक साल, हर एक दिन में.
Now please don't get me wrong. और मेहरबानी करके हमें गलत मत समझो. We pastors. हम पासबान. All 10 fingers on me. और सारी 10 उंगलियां जो हमारी ओर. We stand up on December 31st or 1st January and we say, this year is the year of this. This year is the year of that. This year is the year of that. And by the end of the year, it's always been the same year. और देखिए दिसंबर 31 तारीख को हम खड़े होते हैं या फिर 1 तारीख को हम खड़े होकर कहते हैं यह साल ऐसा रहेगा, इस साल में ऐसे ऐसे होगा. ऐसे होगा नहीं, हम साल को नाम देते हैं और साल को हम ऐसा नाम देते हैं मगर पूरा साल बस खत्म हो जाता है ऐसे ही. Do you agree with me? आप सहमत हैं? Hello. This year I'm not going to name it anything. और इस साल को कोई नाम नहीं देंगे. This year of glory. ये महिमा का साल. This year of this. ये इसका साल. The year of that. उसका साल है. Question. सवाल. What happened in my life? मेरी जिंदगी में क्या हुआ? Last year was the same. पिछले साल भी वैसा ही था. कैसा रहा? Last year ऐसा था, ये साल ऐसा है, अगले साल. That's what you say. यही तो आपने कहा. And the Holy Spirit says, पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे, don't name the year. साल को नाम मत दो. Because teach the people. क्योंकि लोगों को सिखाओ. What I'm sharing with you. जो मैं तुमसे बांट रहा हूँ. That how your year, this year onwards, your year, if you listen to this message of mine, as a prophet of God, as a servant of God, as a pastor of God, as a brother of God, whatever, your life will be a blessing to thousands of people. Hallelujah. Everyone say, build the altar. सभी लोग कहें, वेदी को बनाओ. You acting cute. Come on, this beside people. Come on, say, build the altar. चलो जोर से बोलो, वेदी को बनाओ. I told you. आपको बताया मैं. You don't need chai. You have the Holy Ghost on you. Hallelujah. बोलो Hallelujah. This time people are saying, अरे chai नहीं मिला ना इसलिए. Come on, say it one more time, everyone. फिर से एक बार बोलो. Build the altar. वेदी को बनाओ. Abraham, Noah, everyone was an altar builder. और अब्राहम, नूह और दूसरे सभी लोग वेदी को बनाने वाले व्यक्ति थे. Listen to me. Go to Matthew 23 fast. Hurry up. और जल्दी से निकालो मत्ती का 23वां अध्याय. One day they were arguing. You know the Jews loved the temple very much. और एक दिन ऐसा होता है वहाँ पर बहसबाजी हो रही थी और यहूदी लोग जो है मंदिर को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे. Jesus told them. और यीशु ने उसे कहा. Destroy this temple. और इस मंदिर को ढा दो. I'll praise it up in 3 days. और 3 दिन में इसमें खड़ा कर दूंगा. Got more angry. उन्हें और गुस्सा आ गया. Hey! तू क्या सोचता है अपने आप को तू क्या सोचता है? They were arguing. वे बहसबाजी करने लगे. हमने understood what I'm saying. और यीशु मसीह एक प्रगटीकरण को जाहिर करते हैं और इस दोपहर चाहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो. मैथ्यू 23:19 मत्ती का 23वां अध्याय उसका 19वां. वे वहां पर वाद विवाद बहसबाजी कर रहे थे. टेंपल इज इंपॉर्टेंट. और मंदिर महत्वपूर्ण है. You know what God said? आप जानते परमेश्वर ने कहा? Verses. He says, "You blind men." और प्रभु ने कहा, तुम अंधे लोगों. Which is greater? क्या बड़ा है? Which is greater? क्या बड़ा है? The gift or the altar? भेंट या वेदी? Very good question. बड़ा अच्छा सवाल है. Which is greater? क्या बड़ी है? The gift is greater. भेंट बड़ा है? Or the altar is greater? या फिर वेदी बड़ी है? The gift, भेंट, or the altar that sanctifies the gift? या वेदी जो भेंट को पवित्र करती है? How many are listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? See the Jews were saying temple. और देखे यहूदी लोग कह रहे थे मंदिर. And the Lord said, फिर प्रभु ने कहा, Hey, सुनो, it's the altar. ये वेदी है. Come on, somebody. Slide this down. लिख लो इसे. The gift, the altar, वेदी जो है, sanctifies the gift. भेंट को पवित्र करती है. Let me take it deeper. और गहराई में ले जाने दो. The altar, वेदी, sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है. Now Paul talks about two temples. और देखिए प्रेरित पौलुस जो है दो मंदिरों के बारे में बताते हैं. He also talks about the temple. That's your body. Come on. देखे उस मंदिर के बारे में भी वो बताते जो आपका शरीर है. Now how can this temple be sanctified? और कैसे ये मंदिर जो है शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है? You're battling with lust. आप अभिलाषाओं से लड़ रहे हो. You're battling with pornography. अश्लील चीजों से आप लड़ रहे हो. You're battling. आप लड़ रहे हो. You're battling. आप लड़ रहे हो. Some days you win. और कभी कभी आप जीतते हैं. Some days. और कुछ दिन. The altar, वेदी, sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है.
The altar Vedi sanctifies the gift. भेंट को भी पवित्र कर देती है. I'm serving the Lord. मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं. If you're serving the Lord. प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं. Why are you so jealous? Why are you so insecure? तो आप इतना जलते क्यों हैं? इतने असुरक्षित महसूस क्यों करते हो? Why are you so frustrated? और तुम इतने हताश क्यों हो गए हो? I'm serving the Lord. मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं. The issue is. मामला ये है. When somebody goes better than you, why do you get so jealous, nervous, frustrated? The altar sanctifies the gift. Your service to God, your giving to God, your singing to God, your dancing for God will be sanctified only if the altar is in place. अगर देखिए वेदी सही जगह पर हो तो आपकी सेवा करना प्रभु के लिए नाचना गाना जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं सब पवित्र हो जाएगा. I gave to the Lord. मैंने प्रभु को दिया. शाबा बाबा. Really? सच में the altar वेदी sanctifies the gift. भेद को पवित्र करती है. Till the altar is not in place, your gift is unsanctified. Till the altar is not in place, your body. जब तक वेदी जगह पर ना हो आपकी भेंट जो है पवित्र नहीं की गई है. How many of you listening right now? कितना सुन रहे इस वक्त? Say it everyone, the altar. सभी लोग कहें वेदी. Come on, talk to me, church. Everyone say the altar. सभी लोग कहें वेदी. Sanctifies the gift. भेंट को पवित्र करती है. The altar. वेदी. Sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है. Say it everyone, the altar. सभी लोग कहेंगे वेदी. Gives meaning to the temple. मंदिर को एक अर्थ देती है. You can have an altar and no temple. But you cannot have a temple without the altar. और देखिए वेदी होकर भी आपके पास मंदिर ना होना भी चलेगा. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मंदिर है मगर वेदी ना हो. How many getting me right now? कितने लोग समझ में आ रहा है? Sir, please listen what I'm saying. सुनिए ध्यान से जो भाई कहना चाहते हैं. I believe in Jesus. यीशु में विश्वास करता हूँ. Where is the altar? अगर वेदी कहाँ है? There's one name I saw. I called her Shalene, something like that. I want you in front. Listen. What's the name? Shalene. I'm Shalene from Virar. Yes, that's it. Can we give Jesus a shout? Come on, somebody. My God. Have mercy. Can we just do small over here? Lift your hands and pray for us. चलो अपना हाथ बढ़ा कर इनके लिए प्रार्थना करेंगे. Do I know you? क्या आपको जानते हैं भाई? Lady, stop crying. Do you know me? Can I just pray for you right now? Come on, before the meeting we met and we said, okay, I'll call your name, do some drama and come over here. Yes, it's true. क्या हमने आपसे कभी मुलाकात की? आपको बोला ऐसा ड्रामा करना है? No. Do I know you? No. क्या आपको जानते हैं? No. Nothing. Okay. So you know, कभी-कभी लोग Facebook देखते हैं. Okay. No Facebook. Now watch this. Pray in tongues. Come on, help me somebody. अन्य भाषा में प्रार्थना करें. You know, Sister Shalene. Ben Shalin, I saw you. हमने आपको देखा. As if your life is not going anywhere. You are stuck at one place. कि आपका जीवन कहीं नहीं जा रहा. आप एक ही जगह पे रुके हुए हो. Talk to me, lady. बात कीजिए. Yeah. Talk louder, please. These people think. Yes. You know, it's like I'll tell you what. It's like you are sinking somewhere. I don't know. It's like you are in. It's growing, and you're sinking, and you're crying for help. I saw you crying for help, and you're crying out to people and saying, "Please help me, please help me." Yes. And your own people have turned away from you without even listening to your cries. Yes. Talk to me now. Yes. और देखो ऐसा देख रहे कि भाई आप एक ही जगह पे खड़े हो और जो आप उसमें दलदल में छिपते जा रहे हो, घुट छिपते जा रहे हो, अंदर दबते जा रहे हो. Is this true? आपके खुद के लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे. Is this true? Yes. Now listen to this. What the Spirit of God says. You are going to have a new beginning today in Jesus' name. Ah! Somebody shout a hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया. Stand up. Let me prophesy. Thank you, Lord. Let me prophesy. I'll prophesy. I know it's not, but I'll prophesy over you also quickly. I want to show you. Thank you, Lord. Listen to me.
Pray in tongues, please. Within 6 days, thank you, Lord. 7th of January, one man will come to you. He will shake hands with you. Your life will going to change in the next 7 days in Jesus' name. This is what the Spirit of God says. Come on, somebody, give Jesus a shout. Come here. Your name is not Shaline. I know that. I know your name is not Shaline. But because it sounded something like that, so you came running in front. Your name is not Charlene, your name is, you told me, I want to be honest with God, your name is Shaheen. What's your name? My name is Shaheen. Ah, somebody say hello. Wait. I see arrears, some kind of arrears. Money was accumulated somewhere. It was your money, but it did not come to you. But in the month of the first week of March, that arrears are going to be released to you now in Jesus' name. Talk to me. Bolia. Yes. It's your money. It's your money. It's accumulated. I see a man, but the man is not there. Where? Thank you, Lord. I see a man, but the man is not there. Yes, it's correct. One person has taken money from me. No, I'm not talking about the money now. Oh, can we talk about something that is, many people, we Indians are cover up people. Hello? Where is your man? Thank you, Lord. Tell me the truth. आपका आदमी कहाँ है बताओ सच्चाई से मैन मीन्स व्हाट यस खसा मांधा कोरे में हाथ हला ए टेल योर नेबर इफ यू एक्ट फनी अपने पड़ोसी को बोलो द प्रोफेसी स्टॉप्स आर यू गोइंग टू टॉक आई एम गोइंग टू फिनिश कैन आई मूव देयर नो माय हस्बैंड इज नॉट स्टेइंग विद मी योर मैन इज देयर बट योर मैन इज नॉट देयर यस इट्स ट्रू योर हस्बैंड इज कमिंग बैक इन जीसस नेम आमेन आमेन You don't twist and turn today, okay? And from 2017 plus, don't do that. और तेरा मेरा करने का कुछ काम मत करो. 2017 में बिल्कुल भी मत करो. Let's just move to the next one. Hallelujah. You are a torn woman. Hallelujah. Torn to pieces. You are smiling with a big smile like this. But you're a woman who's torn to pieces. और ऐसी महिला जो टुकड़ों में बिखर चुकी हैं. Talk to me, lady. Hallelujah. Talk to me, lady. Yes. I see you under heavy loans. Hallelujah. देख रहे हैं भारी ऋण तले आप दबी हुई हो. Come on, talk to me. चलो बोलिए. Yes, brother. I have got a lot of load over my. I see books and books and books and books piling over you. The books are so much heavy. I have got a lot of debts myself. My God. I have got loads of debts. Satare mo re kalia sakala badara kora. Somebody pray in tongues. Koi janne bhasha bolo. Looks like you're not interested in God speaking to you. Aur aisa lag raha hai ki parmeshwar se baat kar raha hai. If you're interested in God speaking to you, then you need to speak in tongues. Agar aap dilchaspi rakhte hain to aapko janne bhasha bolna hai. Bara 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 baduno na mahadalaba. Rakaduno mahadalaba. Kastare, kastare, kastare. Kastare. God touches you right now. God touches you right now. God touches you right now. I see the whirlwind of the Lord coming right now into your life. There is a whirlwind coming. The whirlwind of the devil destroys. The whirlwind of the Lord restores. I see a letter called A written over your life. I don't know who's A. I don't know who's in your family called A. God is touching. Who's that? Hallelujah. My Varnamala ka shabd A dekh rahe hain is samay. Kaun hai wo vyakti aapke parivar ka? Parmeshwar usko chhu raha hai is waqt. But that person is going to be responsible for the restoration in your life. Out of those loans, God is going to call you. He's going to bring light into your darkness. Says the Spirit of the Lord to you right now. Wo vyakti zimmedar hoga aapke zindagi mein se wo sare dil se aapko bahar lane ke liye prabhu ka aap aisa kehta hai is waqt. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. What I said about your life is true, or you are just, are we just fooling around? Yes. Jesus. Lift your hands and say, Lord, I receive my miracle right now. हाथों पर उठा के बोलें कि प्रभु मैं अपना चमत्कार ग्रहण करता हूँ. No, you don't say like that. As if you are lift your hands to heaven and say, Lord, I receive my miracle right now. अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहें कि प्रभु मैं अपना चमत्कार ग्रहण करता हूँ इस वक्त. I want you to look at this testimony. चाहते हैं कि आप इस गवाहियों को देखो. Look at this. देखो. There's a lady or a man, I don't know, Suhasi. What is Suhasi? एक महिला या एक आदमी है जिसका नाम सुहासी है.
Just, are you here, that lady? That I don't know if I pronounced your name right. पता नहीं आपका नाम सही उच्चारण किया है या? Suhasi, Suhasi, the name Suhasi. I just want that lady to just come in front right now. और Suhasi नाम. What happened to her? Ask her. Suhasini. Come. Give Jesus a big hand. चलो यीशु को ज़ोरदार ताली के भेंट चढ़ाएंगे इस समय. काम आले सो बोहता. Praying tongues. चलो अन्य भाषाएं बोलिए, अन्य भाषाएं बोलिए. काये सो मंथाले ब्रेंडा लीलो कोबो ताइसे. Praying tongues church. चलो जल्दी से अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए. Get this out. Start काम आहदा. Stand over here. I want to prophesy over your life. Stretch your hands. Praying tongues. चलो सभी लोग अपना हाथ इनके ओर बढ़ा के प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में. 2016. 1, 2, 3, 4, 5 cameras are there. Okay. और एक दो तीन चार पांच पांच कैमरा लगे हुए हैं 2016 there is a door opening for you आपके लिए दरवाजा खुल रहा है the door is of marriage in Jesus name दरवाजा शादी का दरवाजा है यीशु के नाम में you are going to go in a house और आप घर में जाओगी you are going to go in a house आप एक दूसरे घर में जाएंगे it's going to be a man of god और ये परमेश्वर के जन का घर होगा in Jesus name यीशु के नाम में give her a big hand right now चलो जोरदार ताली की भेंट चढ़ाओ समय this is the desire I do not know even you are here देखो यही आपके दिल की तमन्ना है जानते नहीं की yes brother ay ay amando cobrontele se que In front of 3,000 people, God calls you. Hallelujah. Somebody shout a hallelujah. His mother is a pastor. So what exactly God said that you will go into a house, you will go into a man of God's house. Tell your neighbor, not just a house. और जैसे परमेश्वर के जन ने कहा था देखिए वैसा ही बिल्कुल अपने पड़ोसी से बोले सिर्फ ऐसा ही कोई मामूली सा घर नहीं लड़की की शादी होनी है लड़के की शादी होनी है लेकिन where it happens how it happens this is Sabi his mother is a pastor he himself is a man of God and this is Suhasini may the Lord bless them come on I can see jealousy leaving people now देख सकते हैं कि लोगों में से जलन निकल रहा है इस I told you before coming on stage. और मंच पर आने से पहले भाई ने आपसे कहा था। The Lord will bless you greatly. और प्रभु आपको महान तौर से आशीष देगा। The Lord will bless you greatly. Your house and everything will be filled when so many things God will do in your family. और आपका घर सब कुछ बना जाएगा बहुत सारी चीजें परमेश्वर करेगा। This is what God says. और यही परमेश्वर कहता है। Remember. याद रखना। It is the Lord. ये प्रभु है। And it is Jesus alone. और ये यीशु ही। All glory to Him. Come on, give Jesus a shout. Come on. So, God bless you. Bye bye.